धर्म जाति भाषा के नाम पर वोट बंदी कब, चुनाव को कम्युनल बनाकर कब तक कैश करेंगे नेता, धर्म जाति के धंधे से कब राजनीति का पीछा छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि धर्म जाति और भाषा का इस्तेमाल कर वोट मांगना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 123 का सीधा उल्लंघन है। लेकिन जब राजनीति में धर्म और जाति को साधने के लिए टिकट बांटे जाते हो तो क्या चुनाव आयोग इसे करप्ट प्रैक्टिस मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सांप्रदायिक राजनीति की सोच ने नोटबंदी तक को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा है। सवाल यह है कि क्या सांप्रदायिक राजनीति भी मिटेगी और मिटेगा काला धन का साम्राज्य। काले धन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से लेकर के नोटबंदी के फैसले के ऐलान किए जाने तक हर उस बैंक खाते को खंगालने का फैसला किया है जिसमें 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के रकम जमा हुए हैं। जाहिर है मोदी सरकार काले धन की हर फाइल को खोलना चाहती है। काले धन पर लुका छिपी करने वाले कब पकड़े जाएंगे? पकड़े ही जाएंगे, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी की लुका छिपी क्या अब खत्म होगी? समाजवादी पार्टी के झगड़े में मुलायम सिंह यादव का आखिरी दाव क्या होगा? एक ओर जहां मुलायम के करीबी अखिलेश खेमे पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश खेमा भी मजबूती के साथ डटा हुआ है। लेकिन नेताजी और पिताजी की भूमिकाओं में से मुलायम सिंह यादव आखिर में कौन सी भूमिका अदा करेंगे इसे कोई नहीं जानता। राजनीति की गर्मी के बीच मौसम की सर्दी कहीं राहत दे रही है तो कहीं आफत भी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहली बार इस सीजन में ठंड का एहसास दिलाया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है।